फ्रिक्शन ना दो किस्म की है, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक। आप कहेंगे फ्रिक्शन दो किस्म की है, यार ग्राउंड तो वही है, रफनेस तो वही है, तो म्यू तो चेंज नहीं होगा ना। अगर मैं एक ब्लॉक लेके आऊं और ग्राउंड लेके आऊं, ना मैं ग्राउंड चेंज करूं और ना ही मैं ब्लॉक को चेंज करूं, तो फिर फ्रिक्शन कैसे चेंज होगी, वो तो एक ही वैल्यू देगी ना। और ना मैं बॉडी का वेट चेंज करूं तो नॉर्मल एक्शन चेंज नहीं हुआ, नहीं फिर भी चेंज हो जाती है। दिखाता हूं कैसे। सपोज करो एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, और किसी ने कहा कि सर इसको ना आपने मूव करवाना है। मैंने कहा फ्रिक्शन है? कहता हाँ जी है। क्योंकि अगर मैं फ्रिक्शन नहीं है फिर तो मैं कितनी भी फोर्स लगाऊंगा एक मिनट में मूव करेगी, बात ही खत्म है। उसने कहा फ्रिक्शन है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं फोर्स लगाता हूँ 1 न्यूटन। जब मैंने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये बॉडी मुझसे मूव नहीं हुई। मैंने लगाई 2 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं हुई। मैंने लगाई 3 न्यूटन, बॉडी मूव नहीं हुई। मैंने कहा चक्कर क्या है? वो कहता है जी कम से कम फोर्स लगानी पड़ेगी 10 न्यूटन। अब बेंच है, बेंच को अगर मैं मूव करवाता हूँ, कहाँ हिला मुझसे? ये लो, नहीं हिला, फोर्स ही कम लगाई है। तो फोर्स और तेज और तेज और तेज, अब हिला। तो कुछ तो मिनिमम फोर्स है ना। अब मैं ये बेंच को छोड़ देता हूँ, भारी ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये रहा, ये देखो इसमें ज़्यादा फोर्स लग रही है हिलने में। तो हर बॉडी का एक मिनिमम फोर्स है जिससे हिलेगी, राइट? तो इस बॉडी को अपनी जगह से हल्का सा भी हिलाना है तो फोर्स रिक्वायर्ड 10 न्यूटन है। मैंने कितनी लगाई? 1 न्यूटन। तो मैंने किसी से ये पूछा, भाई एक बात बताइए यार, ये हिल क्यों नहीं रही? तो उसने क्या कहा कि क्योंकि क्या प्रेजेंट है ग्राउंड और ब्लॉक में? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर आप फ्रिक्शन को ओवरकम कर दो तो ब्लॉक हिल जाएगा। मैंने कहा हाँ, बात लॉजिक तो सही है। मैंने कहा ठीक, तो ये सपोज करो वो ब्लॉक है और इसको मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है इसकी जगह से हिलाने के लिए 10 न्यूटन। तो मैंने इसको कितनी फोर्स लगाई? सिर्फ 1 न्यूटन। तो यहां पर क्या प्रेजेंट है ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में? फ्रिक्शन। तो बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है? किसी ने कहा जी 10 न्यूटन। कितने लोग बोलते हैं 10 न्यूटन? इसको हिलाने के लिए फोर्स 10 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है। किसने कहा 1 न्यूटन? 1 होगी कि 10 होगी? अच्छा मन क्या कह रहा है? 10, उनको हाथ मत देखो, 1 की 10। जो लोग 10 बोलते हैं उनका रूल पहले लगा लें। मैंने फोर्स लगाई 1 न्यूटन कि ये सोचते हुए बॉडी उधर मूव करेगी, तो किसी ने कहा सर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन। मैंने कहा ठीक, मान लिया 10 न्यूटन। मैंने कहा डायरेक्शन, कहता मोशन के ऑपोजिट, तो ठीक है। मैंने कहा ये ले, ये रही मेरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये रही इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और स्टूडेंट ने कहा 10 न्यूटन। उसी टाइम न्यूटन की आवाज आई, जो कहता ये क्या बात कर रहे हो भाई, इधर फोर्स लगाई 1 और फ्रिक्शन लगाती है 10। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है कि बड़ी फोर्स कितनी है? 10। तो बॉडी कहां मूव करेगी? इधर। ये सही है, एक तो बॉडी मूल हिल रही, ऊपर से इतनी सी फोर्स लगा के आपकी तरफ बॉडी आती है, मतलब एक तो लेक्चर स्टूडेंट हिल नहीं रहा और ये देखो ये हिला आपकी तरफ आया, नहीं आया, तो आंसर 10 न्यूटन हो ही नहीं सकता। ले रहे हैं यहां तक? क्योंकि अगर 10 न्यूटन आंसर बोल दिया तो इधर की फोर्स बड़ी, इधर की फोर्स छोटी, गड़बड़ हो गई ना। तो फिर यानी कि अनइक्वल फोर्सेज हैं, तो बॉडी को इधर मूव करना ही है, जबकि बॉडी तो उल्टा मूव ही नहीं कर रही 1 न्यूटन में, तो बॉडी हिल भी नहीं रही, क्योंकि हिलाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए? 10। तो आंसर 10 न्यूटन तो बिल्कुल भी नहीं है। अब चेंज करते हैं, आंसर क्या है? 1 न्यूटन, और तो कोई हो भी नहीं सकता। अब 1 न्यूटन में क्यों आंसर 1 न्यूटन है? क्योंकि जब आपने फोर्स लगाई 1 और उल्टी फ्रिक्शनल फोर्स लगाई 1, तो बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, ट्रू, और 1 और 1 आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन, दे विल कैंसल ईच अदर, डन। लेकिन जब मैंने फोर्स यहां पर क्या लगाई? 2 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी डेवलप होगी इसके नीचे? 2 न्यूटन। दो जादुई फोर्स है, अपने आप चेंज करती है वैल्यू। तो फिर 10 क्या है? बताता हूं 10 क्या है। तो 2 लगाई तो 2 न्यूटन डेवलप कर लेगी, बॉडी अभी भी मूव नहीं करेगी। जब 3 लगाओगे तो 3, 4, 4, 5, 5, बॉडी रेस्ट पे रहेगी। ये गेम कब तक चलेगी? जब तक आप कितनी फोर्स नहीं लगाते 10 से थोड़ी सी भी ज्यादा। 10 के ऊपर भी 10 लगा देगी, कैंसल। लेकिन जब 10.1 लगाओगे फिर देखो 10 से आपने ओवरकम कर दी फ्रिक्शन, अब ये बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। तो जब आपने फोर्स ऑफ फ्रिक या फोर्स अप्लाइड 1 न्यूटन की, तो फ्रिक्शन 1 न्यूटन थी और बॉडी किस पे थी? एट रेस्ट। 2, 2, 3, 3, 4, 4, कब तक? 10, 10, यहां तक बॉडी किस पे रही? एट रेस्ट।
तो एक चीज नोट करो, जितनी आपने फोर्स अप्लाई की उतनी ही क्या आ गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और उस दौरान बॉडी किस पे रही, एट रेस्ट। रेस्ट पे बॉडी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। तो ये सारी फ्रिक्शंस क्या हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दो टाइप की फ्रिक्शन बताई मैंने, पहली टाइप की कौन सी फ्रिक्शन है, स्टैटिक, जब बॉडी किस पे पड़ी रहेगी, एट रेस्ट, और फ्रिक्शन लगती जाएगी, और वो फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स पे डिपेंडेंट है। आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते रहो, फ्रिक्शन बढ़ती रहेगी और आपको कैंसिल करती रहेगी आपकी अप्लाइड फोर्स को। तो ये, और बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, इस फ्रिक्शन का नाम क्या है, स्टैटिक। पर जैसे ही आपने फोर्स 11, 12, 13, 14, 20, 200, 2 लाख कर दी, बॉडी ने मूव करना शुरू कर दिया। 10 न्यूटन ओवरकम हो गया, बॉडी ने मूव करना शुरू किया। तो कायदे से यहां पर आंसर आना चाहिए था 10, 10, 10, 10, 10, 10, पर आया नहीं 10, 10 की जगह थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि जब बॉडी इस दौरान, जब आप 10 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाओगे, बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी। और जब बॉडी चलती है उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। तो ये कौन सी फ्रिक्शन रोल प्ले करेगी, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन ये कांस्टेंट रहती है, पहला रूल। दूसरा रूल, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब है कि अपनी वैल्यू को चेंज करती है, आपने कितनी फोर्स अप्लाई की उस हिसाब से अपनी वैल्यू को चेंज कर लेती है। अब ये सब स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक, लास्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 10 न्यूटन, या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी है, 10 न्यूटन, उसके बाद तो बॉडी मूव करेगी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का दूसरा नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से अगर वैल्यू ज्यादा होगी फ्रिक्शन की, फिर बॉडी मूव करेगी, नहीं तो बॉडी मूव नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? अब मान लो आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा दी, बॉडी मूव करेगी, पर बॉडी को मूव करवाने के लिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो ओवरकम करनी थी वो 10 न्यूटन है, पर जब बॉडी चल पड़ती है ना, ये वैल्यू गिर जाती है 9.9, 9.8, 9.7, 19, कुछ भी कम हो जाएगी स्टैटिक से, और रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आपको ऐसा क्यों, क्योंकि जब बॉडी चल पड़ती है, जब खड़ी है, इंटरलॉकिंग दबा के होती है, ये देखो दबा के हो गई, जब बॉडी चल रही है बॉन्ड बनते हैं, उसी टाइम टूट जाते हैं, चल रही है ना, मोशन में है, ठीक तरह बॉन्ड इंटरलॉकिंग हो नहीं पाती, तो थोड़ी सी फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम ही रहती है। हाँ, रहती कॉन्स्टेंट है, फिर ये चेंज नहीं होती। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, अपनी वैल्यू को चेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन कितनी फोर्स आपने अप्लाई की। काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होती, वो कॉन्स्टेंट है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? कुछ ऐसी फीलिंग आप ले सकते हो, किसी ने कहा कि सर मैथ का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, ठीक, पास होने के लिए 33 नंबर चाहिए। जैसे बॉडी को हिलाने के लिए कितने नंबर चाहिए, और कितने फोर्स चाहिए, 10। तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन नहीं है, ये तो एक क्राइटेरिया है, अगर बढ़ गई तो काइनेटिक, कम हो गई तो स्टैटिक। तो उसी तरीके से पास होने के लिए 33 चाहिए, अगर तो कम हो गए नंबर, किसी ने कहा जी मैंने एक नंबर, मेरे तो एक नंबर है, एक क्वेश्चन किया, तो टीचर कहेगा फेल। फिर आपने कहा जी 10 नंबर गेन किए, वो कहेगा तब भी फेल, 11 तब भी फेल। देखो कितना सेल्फ एडजस्टिंग टीचर है ना, अपने आप एडजस्ट करके आपको फेल कर रहा है, वो ये नहीं देख रहा, पेपर देख ही रहा, वो कहता है एक नंबर तो भी एडजस्ट कर रहा है, और बच्चा भी एडजस्टिंग है, वो कहता है कोई बात नहीं फेल, 3 फेल, 4 फेल, 10 फेल, 30 फेल, 31 फेल, 32 फेल, 33, मतलब लिमिटिंग कंडीशन आ गई, अब तू प्रमोट हो जाएगा। वो कहेगा कि कितने नंबर, अब जितने मर्जी ले ले, अब पास है, तेरी गाड़ी चल पड़ी। कहने का मतलब कि एक कट ऑफ वैल्यू है, वो कट ऑफ वैल्यू आपको देखनी पड़ती है। आप ये ना बोलें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, मैथ का पेपर देने का आप बोलते हो, पेपर दिया नहीं अभी, मैंने कहा कितने मार्क्स हैं, आपको कहे पेपर तो देने दो, आप ये तो नहीं कहते 33 मार्क्स हैं, अरे मैंने कहा 33 तो पासिंग मार्क्स हैं, बॉडी को चलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए। और अगर कोई पूछे कि बॉडी को चलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितनी, तुम कहोगे भैया ये तो बताओ फोर्स लगाई कितनी तुमने, उस पर डिपेंड करेगा, पेपर तो दे दो तभी पता लगेगा कि पास या फेल। तो 33 नंबर एक क्राइटेरिया है, 10 न्यूटन एक क्राइटेरिया है, ये फ्रिक्शन नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब फ्रिक्शन का आंसर नहीं हो सकता, हो भी सकता है 33 नंबर भी आ सकते हैं ऐसे, तो पॉइंट ये है कि आपको इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर बॉडी रेस्ट पे रहती है, चलती नहीं है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज हो सकती है, और डिपेंड करता है आपने कितनी फोर्स अप्लाई की।
और अगर फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर बॉडी चलती है, काइनेटिक है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होती, फिर कांस्टेंट 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 ही रहती है, वो फिर डायनेमिक या जो है काइनेटिक फ्रिक्शन है। बोलो। अगर वो कह रहा है कि अगर मैंने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई 15 न्यूटन, तो बॉडी चल रही है, चल रही है तो काइनेटिक है, फिर मैंने छोड़ दी, छोड़ दी तो फिर अपने 15 से जीरो कर दी ना, फिर थोड़ी देर मोमेंटम तो है उसके पास, फ्रिक्शन उसकी स्पीड को कम करेगी और रोक देगी, फिर रोक दिया, बॉडी रेस्ट पे आ गई तो स्टैटिक है, बॉडी पड़ी है तो स्टैटिक है, चल रही है तो काइनेटिक है, बस दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो चलेगी या नहीं चलेगी, चलेगी काइनेटिक है, नहीं चलेगी स्टैटिक है, बात खत्म, बस या तो पास है या फेल है, बस दो ही चीजें हैं, बीच में कुछ नहीं हो सकता, कोई रीअपियर नहीं है इसमें कि फ्रिक्शन इधर से इधर हो जाएगी, कुछ नहीं होगा जी, ठीक है यहां तक। तो क्वेश्चन या तो चलती हुई बॉडी पे आएगा या रुकी हुई बॉडी पे आएगा, चल गई तो काइनेटिक आंसर दे देना, नहीं चली तो स्टैटिक हो देना, क्लियर है यहां तक। कैसे काम करती है ये इसको देखते हैं, और अभी तक मैंने इसका आंसर नहीं दिया आपको कि किसी भी बॉडी को चलाने के लिए जब मैं बोलता हूं मिनिमम फोर्स या ओवरकम जो करना है उसकी फोर्स 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन मैंने कैलकुलेट कैसे किया, क्योंकि हर बॉडी की ये फोर्स डिफरेंट है, किसी की 10 है, किसी की 15 है, किसी की 20 है, किसी की 200 है, पता नहीं कितनी है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी बताऊंगा। और दूसरा इसका आंसर नहीं दिया कि इसकी वैल्यू 9.8 होती है, 9.9 होती है, 9.7 होती है, ये मैं कैलकुलेट कैसे करता हूं, ये तो अपने मन से मैंने सपोज किया, कुछ भी लिख दिया, पर एक्चुअल में तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती होगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 9.7 ही आंसर है काइनेटिक, ये आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके ऊपर पेपर में अगर ग्राफ प्लॉट करके या बनाने को आ जाए या मार्क करने को आ जाए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है फ्रिक्शन वर्सेस फोर्स अप्लाइड, तो जब एक बॉडी को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स 10 न्यूटन चाहिए, पर आपने फोर्स अप्लाइड कितनी की 1 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 1 है, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, ये देखो सेम, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और ये कब तक गेम चलेगी, जब तक फ्रिक्शन कितनी नहीं आती 10 न्यूटन, उसके बाद यहां तक ये सारी फ्रिक्शन क्या कहलाएगी, स्टैटिक, इसका नाम है सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब आप फोर्स 10 न्यूटन से ज्यादा अप्लाई करोगे फ्रिक्शन गिर जाएगी 9.8, 9.8, 9 point, तो बॉडी यहां पर क्या रहेगी, काइनेटिक मोशन में रहेगी, तो काइनेटिक थोड़ी कम शो करनी है और कांस्टेंट शो करनी है, स्टैटिक ज्यादा, और ये मैक्सिमम स्टैटिक है, और मैक्सिमम स्टैटिक का दूसरा नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर है यहां तक।